कि आप एक काम करते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ अब सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, फाउंडर ऑफ केडिया नॉमिक्स। सुशील जी, हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इस साल रॉकेट छूटेंगे, फुलझड़ियाँ छूटेंगी या बम फुस होंगे? क्या क्या मूड माहौल है इस समय मार्केट का? देखिए, काम सारे ही होंगे, कहीं कहीं दीप जले कहीं दिल, वो तो पुरानी कहावत है, शेयर बाजार में तो अक्सर होता है। तो कुछ सेक्टर्स चलेंगे, कुछ सेक्टर्स गिरेंगे, कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़ जाएंगे, कुछ स्टॉक्स बहुत गिर जाएंगे। आपको पहले कौन से बताओ? पहले जो चलेंगे उन्हीं की बात करेंगे सुशील सर। देखिए, क्योंकि दीपावली है तो सबसे पहले तो अच्छी की बात, अच्छी बात हो। सबसे पहले तो अच्छी बात में ये है कि गोल्ड और सिल्वर का टॉप बन रहा है और ये बुरी तरह गिरेंगे और क्रूड ऊपर बढ़ेगा। क्रूड और गोल्ड अक्सर उल्टा चलते हैं, उसका राइट कारण भी है। गोल्ड की तेजी डर के माहौल में होती है, भय के माहौल में होती है। ईरान और इसराइल का वॉर, झूठ मूठ की भ्रांति फैलाई हुई है चारों तरफ लोगों ने, क्रूड का भाव बढ़ गया, इंडिया का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, इंडिया की ताकत है बढ़े हुए भाव में क्रूड को कंज्यूम करने की, इसीलिए क्रूड मैन्युफैक्चरर्स भाव बढ़ा देते हैं। हमारी इकोनॉमी में गर्मी है अंदर, तो उसका कुछ फायदा क्रूड मैन्युफैक्चरर्स भी लेके जाते हैं। क्रूड मैन्युफैक्चरर्स के ताकत पर इंडिया की इकोनॉमी नहीं चलती है। तो क्रूड की जो तेजी है वो वर्ल्ड का सबसे पहला इंडिकेटर होता है रिस्क ऑन का। तो मुझे लगता है कि साल के अंत तक एक बड़ा रिस्क ऑन का फेज आएगा, जिसका पहला इंडिकेटर दे दिया बिटकॉइन ने। तो जो भी ग्लोबल इंडिसेस के करेक्शंस हो गए, अब खाली यूएस मार्केट जो वापस न्यू हाइस पर चले गए, वहां रोटेशन आएगा, पर बाकी वर्ल्ड के अंदर में मुझे लगता है इक्विटी मार्क्स में कोरिया, इंडिया, इन सब तरफ जोर से रिस्क कैपिटल वापस अंदर आएगी और हमारे मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में लेके पैसा ज्यादा बनेगा। शॉर्ट सेल में वो 10-15% की रिटर्न्स मिल सकती है और लेने वाले स्टॉक्स में 2-3 महीने में 50-50% भी बढ़ने वाले बहुत सारे स्टॉक। सोना चांदी टॉप बनेगा, कच्चा तेल, और बात सही है, कभी भी आप मैप करिए कच्चे तेल की चाल और ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स का रुझान, तो जब कच्चा तेल चलता है तब एक्चुअली रिस्क ऑन और तब एक्चुअली ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे भारत के बाजार। सुशील सर, ये अच्छी बात है तो फिर बुरी बात क्या है? कच्चा तेल का चलना तो मुझे लग रहा था बुरा होगा, लेकिन आपने जस्टिफाई कर दिया है। एक्चुअली इवेंचुअली अच्छी खबर होती है, ग्लोबली मूड माहौल अच्छा हो रहा है, डिमांड इंप्रूव हो रही है, इसको ऐसे देखना चाहिए। तो बुरी खबर क्या है? बुरी खबर कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, कच्चे तेल का भाव जब $0 हुआ था, वो लॉकडाउन में जब सारा संसार बंद हो गया था, अगर कच्चे तेल का भाव जीरो हुआ था तो उस टाइम संसार तेजी में नहीं था ना, संसार की बैंड बज गई थी। तो कच्चे तेल की जो तेजी आएगी उसके लिए ONGC में बड़ी तेजी खेलेंगे। चार्ट तैयार है ONGC की, एक एक क्रूड की थीम पर हो गया, रिफाइनरीज से हम आउट है, बाकी जितने भी ये IOC IOL है ONGC के पीछे पीछे ये भी ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम बम पटाखा चाल। तो मुझे लगता है कि ONGC दिसंबर एंड तक, जनवरी तक, मतलब 400 रुपये का भाव हो जाए तो बड़ी बात नहीं। तो ये आप चॉकलेट बम में गिन लो अनुज। और अगर अब मैं PSU स्टॉक्स को देखता हूँ तो सारे के सारे मेरे को लगता है रॉकेट हो जाएंगे, चाहे भेल हो, चाहे BEL हो, चाहे BEML हो, चाहे मजगांव डॉक्स हो, कोचिन शिप बिल्डिंग हो, कोचिन शिप यार्ड, ये सब 50-50% भाग जाएंगे तो कोई बड़ी बात। जमीन में खासा करेक्शन हो चुका है और अब अगले रीबाउंड में इंडेक्स भले ही 5-8% तक की भी चाल दे पाती है, नहीं दे पाती है, बहुत सारे स्टॉक्स संदेहास्पद है, पर अगर मैं पूरी ये जो स्प्रेड है ना, सारी आज मिठाइयों का जो स्प्रेड लगा है, तो जो बादाम की बर्फियां, अगर कहीं जो बादाम के पिस्ता का जो आइटम लगता है, मुझे लगता है PSU है, ये सब बादाम की मिठाई है, इनको खाओ। वो चांदी की परत चढ़ी हुई, सोने की वर्क लगी। अभी 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 देखिए वोडाफोन आइडिया, वो मिठाई में क्योंकि चांदी की परत लगती है ना, इसलिए मैं कह रहा था चांदी की वर्क लगती है। पर मैं एक बार लास्ट ईयर किसी शादी में इंदौर गया था 2 साल, वहां कुल्फी में भी उन्होंने सोने की वर्क लगा दी। तो अब क्या कंजम्पशन का मतलब इंडिया में अब क्या उछाल आते जा रहा है? चांदी की वर्क ट्रेडिशनल है, कुछ लोग सोने की वर्क भी खाते हैं। अच्छा सुशील सर, बहुत लोग ना ये पीता संवत बैंक्स ने अंडर परफॉर्म करा। अगर कोई संवत टू संवत रिटर्न कैलकुलेट करूं तो शायद निफ्टी 25 होगा, तो बैंक्स 18-19% के आसपास अंडर परफॉर्मेंस रही थी। फंडामेंटली बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद बैंक्स कंफर्ट में है, नए संवत के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस अट्रैक्टिव लगती है। आपकी लिस्ट में कहीं बैंक्स का जिक्र भी नहीं हुआ है, क्यों? मैं बताता हूँ जी, ऐसा है, देखिए वो जो एक तरफा लिक्विडिटी के दम पे सारा बाजार भाग रहा है या एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, वो फेज गया। अब मेहनत मशक्कत करने वालों को पैसा मिलेगा और इजी मनी खोजने वाला जो माइंडसेट है वो पैसा खोएगा। तो देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अलग अलग पॉकेट्स हैं। अगर पहले मैं बैंक्स की बात करूं, ये हम चार्ट्स के बेसिस पे कह रहे हैं, PSU बैंक्स जो है अचानक से सब ये टिकिया बम की तरह अचानक फटाफट फटाफट लड़ी बम की तरह फट फट फट, जैसे वो 10-12% एक दिन में बैंक बढ़ गया था, कौन सा ये जल्दी जल्दी सारे
जोर से रीबाउंड मार देंगे बड़ा। अरे बड़े वाले जितने भी बैंक है इनकी चार्ट्स भीतर से जड़ में बहुत कमजोर है। पिछले साल का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो ट्रेलर है, और मेरे को लगता है 2025 में ये लार्ज बैंक्स हॉरर शो बन जाएंगे। तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है, जो भी कर लो बाजार में बैंक्स में हाथ मत डालो, जी मत जलाना। अगर वो कोई सा कोटक को थोड़ा सा स्क्वीज करके दिखा देंगे, इंडोसिंड को जोर से रिबाउंड करा देंगे, हम इसकी छटपट में फंसेंगे नहीं। साफ सुथरा पैसा नहीं दिखता बैंक्स में, बड़ा छदम लगता है, और पिछले एक साल का अंडर परफॉर्मेंस ट्रेलर है। 2025 में मेरे को लगता है धुलाई हो जाएगी लार्ज बैंक्स। ओके अच्छा सुशील जी, एक बीएससी जैसा स्टॉक बताइए ना कोई, जो आपने 400 में प्ले के 2000 पे प्रॉफिट बुक कराया था, ऐसा कोई स्टॉक। तो अनुज 16-17 साल की उम्र में जो मेटाबॉलिज्म रहता है ना, आदमी 8-10 बादाम की बर्फी भी खा लेता है और उसको कुछ नहीं होता। तो अब मौसम उम्र देख के काम किया जाए, बाजार की जो उम्र है 25,000-26,000 की, निफ्टी पे आप वो 10 बैगर स्टॉक्स खोजोगे तो उस साइज में हर जगह नहीं मिलेंगे। पर हाँ, जी पावर देखिए, जी पावर जो हमने 10 बैगर का कॉल निकाला था पिछले साल, वो अभी तक 4 बैगर ही हुआ है, और जो जी टी एन डी वो 10 बैगर हो चुका है। तो जी पावर अभी भी मेरे को यहाँ से लगता है 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 4 गुना वाले फिर भी स्टॉक मिल जाएगा। 25,000 की निफ्टी में 10 बैगर की ख्वाहिश रखना मतलब थोड़ा मतलब बाजार के साथ अत्याचार हो जाएगा। ये टाइम और मौका देख के करना चाहिए ना, तो 50%-60% मिल जाए 2-3 महीने में, साल भर में 2 गुना 3 गुना भाव हो जाए, वो मोर देन रियलिस्टिक रिटर्न है 25,000 के निफ्टी पे। हीरू का सवाल आधा रह गया था, देखिए इंश्योरेंस के सारे स्टॉक पे हम तेजी में, SBI कार्ड्स पे हम तेजी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम तेजी में, CDSL के अंदर में भयंकर तेजी में, एंजल ब्रोकिंग में भयंकर तेजी में, ब्रोकिंग की भी स्पेस के अंदर में एंजल ब्रोकिंग में जगह ज्यादा बची है, मोतीलाल ओसवाल का हो गया भाव मतलब थोड़ी जगह बची है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूवमेंट, इंडिविजुअल सेक्टर्स हैं विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, NBFCs में हमको सब में भय लग रहा है कि मुथूट मन्नापुरम को मार्केट की रिबाउंड में 5-10% का रिबाउंड करा देंगे। अगला राउंड जब भी बड़ा करेक्शन का 2025 का जब करेक्शन आएगा, मुथूट मन्नापुरम नीचे कहां तक चले जाएंगे पता नहीं है, तुम साइड हट गए। एक चीज और ऐड करना जरूरी है अनुज, देखिए दोनों तरफा सावधानी होनी चाहिए। पिछले 12 महीने हमने कहा फार्मा के 100 शेयर हम नहीं बेचेंगे, अब एक एक करके हम फार्मा से सबसे आउट होके पूरा पोर्टफोलियो फार्मा में जीरो कर देंगे, चाहे वो लॉरस हो चाहे शिल्पा मेडिकेयर हो, सब में लोअर टॉप बन गया है, फार्मा की तेजी खत्म हमको लगती है। ओके चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।